Bros, welcome to our new vlog. डरा मत भाई, मेरे को डरा दिया, ब्रेक के मार रहा है। टाइम की तरफ देखे तो गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं और मारियो अम्मजी सुबह सुबह गाड़ी मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुबह 6 बजे सड़कें साफ होती हैं और उसके कारण हमें गाड़ी मूव करनी है। अब पता नहीं गाड़ी लेके मैं कहाँ जाऊँ, तो ये भी तो बताओ ना, गाड़ी लाइक सड़कें साफ करनी है, ठीक है, अच्छी बात, अब मैं गाड़ी लेके कहाँ जाऊँ। और देखो सामने रोड ब्लॉक करके रखा है यार। चचू क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ये? तो पूरा कंटेनर बिल्डिंग के अंदर लेके जाया जा रहा है और यहाँ पर आई थिंक कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही होगी, तभी लाइक कुछ सीमेंट वगैरह आया होगा यहाँ पे सुबह सुबह। ये रे गाइस अमेरिका के मोटे मोटे खतरनाक वाले ट्रक, नाइस। तो सड़कें साफ करने के लिए गाइस इनको चाहिए 2 घंटे और मैंने सोचा है कि क्यों ना 2 घंटे जाके हम अपनी शॉपिंग वगैरह कर लें, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ज्यादा लंबा होने वाला। जैसे मैंने बताया ना कि हम जा रहे हैं प्रिजन, वहां पर सैर करेंगे और वहां पर लाइक बहुत ज्यादा वॉकिंग भी होगी, और वॉकिंग करने के लिए हमें थोड़ा बहुत मुंह की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो चिप्स, क्रिस्प, चॉकलेट, पानी जो चाहिए होता है, जो कि हमें बाद में लेना, वो हम अभी ले लेते हैं। और सब्जियों वाले सेक्शन के अंदर आ चुके हैं, मेरे को पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों घुसा हूँ, सब्जियों तो हमको चाहिए भी नहीं। और मैं गाइस यहाँ की वैरायटी देख के ना बिल्कुल हैरान हो चुका हूँ, इतनी सारी चीजें हमारी सुपर मार्केट में क्यों नहीं होती यार। वहाँ पर सुपर मार्केट के अंदर जाओ ना तो पूरी शेल्फ खाली होती है और यहाँ पर देखो पूरा भरा हुआ है। इट्स फ्रेश, देख रहे हो इतना फ्रेश है कि यहाँ से पानी टपक रहा है। मारियो ने गाइस मस्त बात नोटिस की, तो यहाँ से पानी निकलता है, इनकी वो स्प्रिंकल करता और वो पानी इनको फ्रेश रखता है। भाई खतरनाक जगह है यार अमेरिका। तो एक बैग एप्पल ले लेते हैं यहाँ से। मारियो गाइस एक चीज देख के पागल हो रहा है, बार बार ही मेरे को बोल रहा है कि यार देख कितना मस्त टैग करके रखा है इन लोगों ने, इतना अच्छा जोड़ के रखा है। इसके बारे में भी टीवी के अंदर बहुत सुना, काम करते हैं एक वाली बोतल ये भी ट्राई कर लेते हैं। हम लोग चाय घर में बनाते हैं और यहाँ पर ये चाय का गैलन है, लिटरली इसके ऊपर लिखा हुआ ग्रीन टी। पूरे पूरे फ्लेवर है मैंगो, दैट्स नॉट टी आई गेस, दैट्स फूड कॉकटेल, दैट्स टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी, स्ट्रॉबेरी का डब्बा भी ले लेते हैं यार, कुछ ज्यादा ही मस्त लग रही है मेरे को। इनका पानी वाला सेक्शन भी फाइनली यहाँ पर आ चुका है। एक चीज देख के मेरे और मारियो के मुंह में पानी टपक रहा है, नो इतना सारा नहीं लेना भाई। और वो है अपने डोनट्स भाई, वैरायटी एकदम जबरदस्त है, जिसका 2 or 3 यार मैं तो डिसाइड भी नहीं कर पा रहा कौन से लेने हैं। ये वाला कितना मस्त लग रहा है यार, और यही ले रहा है। नाइस nice. तो ये वाला गाइस मैंने लेकर रखा हुआ है और अभी आती है मारियो की बारी। भाई साहब सेम ले रहा है ये भी, चोन द जैम डोनट, और ये भी अच्छा नाइस, मुंह खोलना ही नहीं है भाई। ये क्या है भाई, इतना बड़ा तो मेरी गाड़ी का टायर नहीं है जितना इनका पिज्जा है। और मैं बता रहा हूँ ये भी अभी छोटे हैं, इससे बड़े बड़े पिज्जा भी होते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, आज तो सिर्फ पहला देना, तो आज बहुत मस्ती मार लेते हैं। और ये थोड़ा बहुत बेसिक वाला सामान लेकर रखा हुआ है, तो ये पैकआउट करवा कर सीधा चलते अपने होटल के अंदर। भाई आप गैस करो, ये छोटा सा बैग, ये 2 चीजें और वो पानी का जो डब्बा था ना, जो हमने पानी की बोतल लेकर रखी थी, जो 24 का पैक था, किधर गया वो? पड़ा हुआ ये वाला, ये सारा हमको पड़ा $45 का। भैंस की आग, मैं कभी घर जाके प्राइसेस कंप्लेंट नहीं करूंगा, किसी कंट्री में भी नहीं करूंगा। अभी एप्पल वापस जा रहे हैं, ये देख रहे हो लाइक। तो यार गाइस ये 4 एप्पल जो है बैग के अंदर जो पड़े हुए हैं, ये एक एप्पल $5 का, एक $19 वापस मिले वो एप्पल रिफंड करके। तो यार गाइस अभी चलते हैं घर और सीधा तैयार होकर फिर निकलते हैं, जो अपनी सैर करनी है, जो अपने प्लानिंग करके रखी है, वो सारी चेकआउट करते हैं आज। जिंदगी में ब्रोस कभी एप्पल नहीं खाने के भाई, एप्पल नॉट गुड। मैं बता रहा हूँ यार, गफार मार्केट के अंदर यही सेब 20-20 रुपए के मिलते हैं। वापस का इसमें होटल के अंदर आ चुका हूँ, आज पूरा जैकेट डाल के जाएंगे यार, क्योंकि कल मेरे को याद है भाई रात को शाम के टाइम कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। ये मारियो के सूवेनिर्स भी इसको दे देते हैं, बिल्कुल GTA 5 की जो बंकर वाले मशीन होते हैं ना भाई, एग्जैक्टली वही लोकेशन है भाई, और ये लोकेशन बिल्कुल बीच के पास है, तो उस तरह एयरपोर्ट लग रहा है, वो एयरपोर्ट नहीं होता GTA 5 के अंदर, वो बीच के ऊपर बिल्कुल वही लग रहा है। बराबर गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क करके रखी हुई है और अभी हम जा रहे हैं डोर के ऊपर, हमें बोट लेनी है उस तरफ से और वो बोट हमें लेके जाएगी बिल्कुल अल्कट्राज प्रिजन के अंदर। टोटल टूर है करीब 4 घंटे का और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया यार, यहाँ पर खाने पीने के लिए कोई जगह भी नहीं है यार। मेरे को लगा था कि बीच के ऊपर टैक्सी रेस्टोरेंट्स वगैरह की लाइन लगी होगी, कुछ भी नहीं है। हाउ मच इज 6 tacos? $20। ये टैकोस वगैरह का नाम तो मूवीज के अंदर बहुत सुनता आ रहा हूँ, आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, वो भी रियल वाले हमारे यहाँ मिलते हैं, लेकिन ये स्ट्रीट वाला मजा जो यहाँ पर है ना, ये मेरे सामने जो बन रही है ये मजा वहां पर कहाँ। और अभी एक काम करते हैं, अभी बोट निकलने में 1 घंटा बचा हुआ है, तो तभी थोड़ा बहुत टाइम किल भी हो जाएगा, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, वो जो डोनट्स पड़े हमारे को बैग के अंदर वो भी खा लेंगे और साथ के साथ टैकोस भी लपेट लेंगे। अब चलना जल्दी, मेरे को भूख लग रही है यार, खाना अपना रेडी हो चुका है, उसको नूबड़े को भी सोसे डालनी है यहाँ पर।
यार टाकोस खाने के बाद मेरा ये फ्रूट खाने का बहुत मन कर रहा है, तो एक ये भी लेते हैं। टाकोस और फ्रूट खा के, मतलब ये हमारा तकरीबन ब्रेकफास्ट ही था, एकदम मजा आ गया यार। पूरा मैं पूरा यहाँ तक फुल हो चुका हूँ। तो गाइस ये है दी अल्कट्रास प्रिजन, लाइक लिटरली एक आइलैंड है और चारे पासे पानी है, लाइक चारे पासे। तो यहाँ से भागना नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन हाउ मेनी पीपल एस्केप्ड? टू। दो बंदों ने कोशिश करी और वो निकल गए, और हमारी बोट की अभी बोर्डिंग होने वाली है करीब हाफ एन आवर में। खाना चाहिए भाई, सीरियसली अभी तो बोट चालू भी नहीं हुई। मेरे को लगा था मजाक कर रहा है, ये एक्चुअली खाने की तरफ जा रहा है। जब तक मौर्य नीचे खाना ले रहा है, हम ऊपर जाके अपनी मस्त वाली सीट पकड़ लेते हैं। कोई फ्लेवर नहीं है, कुछ शुगर नहीं है, कुछ सॉल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, लिटरली आटा आटा चबाया जा रहा है। मामा हाथ लाते वही, अरे क्या मारियो मारियो, एक और बोट आ रही है। अगर इसे वेव किया मारियो के लिए तो गाइस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कौन मारियो? कम ऑन। तो ये रहा गाइस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रिजन। ये मैं अपने ग्लासेस लेके आना भूल गया था, लेकिन अभी हम ट्राई कर रहे हैं सिल्विया के ग्लासेस। टेक इट बैक, अपने ग्लासेस ही बेस्ट है। अभी गाइस आइलैंड में कुछ रूल्स हैं जो कि हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर खाना पीना मना, उसके बाद यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह करना, मतलब कि पानी वगैरह पीना, कुछ सब कुछ मना, जो भी करना है, खाना पीना, चाय वगैरह जो भी लेना है। अगर आप इवन बोट की शॉप से भी कुछ ना कुछ लेते हो तो आपको सारा यहीं पर खाना, यहाँ पर अंदर कुछ लेके नहीं जाना। और दूसरी बात, पता है आयलैंड के ऊपर किसी चीज़ को छेड़ना भी नहीं है। आयलैंड की अपनी वाइल्ड लाइफ है, अपने प्लांट्स हैं, अपने बर्ड्स यहाँ पर जो रहते हैं, आते हैं, खाते पीते हैं, किसी से पंगे नहीं लेने भाई। स्कूल का होमवर्क यहाँ पर कर रहे हैं लोग। अपने जो गाइस टूर गाइड है ना, उन्होंने बता कर रखा था कि इस जगह का पहले नाम था द रॉक। ओके नॉट पहले, यू कैरी ऑन, आई एम जस्ट फिल्मिंग माइसेल्फ। ये वहाँ पे वेट कर रहा था, इसको लगा कि मैं उसकी फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। तो यार अभी भी इस जगह का नाम है द रॉक। तो उसके बाद ये जगह फिर कन्वर्ट होगी मिलिट्री बेस के अंदर, फिर मिलिट्री बेस के बाद ये जगह जो है कन्वर्ट होगी प्रिजन के अंदर, और अभी अपनी तरह टूरिस्ट लोग यहाँ पर आके जो है ब्लॉक कर रहे हैं। तो हम यहाँ से गाइस आए थे, यहाँ से वहाँ अंदर से ना, नहीं एक्चुअली वहाँ से आए थे, वहाँ से चल के सीधा ऊपर। और ये जगह जो देख रहे हो ना, ये आई थिंक ये गार्ड्स के लिए थी। तो मतलब कि जो प्रिजन के जो गार्ड वगैरह थे, जो वॉच आउट करते थे, जो देख रेख करते थे, वो रहते थे यहाँ पर। तो ऊपर रहते थे इनमेट्स, जो एक्चुअली प्रिजनर थे ना, वो ऊपर रहते थे। और अभी हम एक्चुअली वहीं पर ऊपर ही जा रहे हैं। इसके अलग ही नशे हैं भाई, देख रहे हो धूप से गिर रहा। अच्छा दूसरा भी साथ में बैठा हुआ है। ओहो अच्छा, आपस से बात नहीं कर रहे क्या? नाराजगी है क्या तुम दोनों की? तो अगर फैमिली के अंदर कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है ना, जैसे दोनों की चल रही है, तो फैमिली मैटर में हम लोग जो है हाथ नहीं मारते। इतना हैवी है मैं उसको हिला भी नहीं पा रहा। तो जब प्रिजनर अंदर आते थे ना, तो सबसे पहले उनको यहाँ पर शावर लेना होता था। ये देख रहे हो पूरे शावर लगे हुए हैं। तो शावर लेने के बाद उनको आना होता था यहाँ पर, और यहाँ पर गाइस उनको उनके कपड़े मिलते थे। तो कपड़े उनके यहाँ पे पड़े हुए हैं, और प्रिजन के अंदर जो जूते चाहिए होते हैं तो जूते वहाँ पर पड़े हुए हैं, और जो कंघी वगैरह का सामान था वो सारा वो यहाँ से लेते थे। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उस टाइम यहाँ पर क्या होता होगा, कैसे इन्वायरमेंट होता होगा। तो अभी मैं क्या ही बताऊँ, अभी तो मैं सेल्स में नहीं गया जहाँ पर एक्चुअली रहते थे, तो वो है इस तरफ ऊपर। और गाइस ये रहे प्रिजन के द मेन सेल्स। भाई सुपर ठंडा यहाँ पर, और अगर सेल के अंदर देखे ना तो बिल्कुल बेसिक चीज आपको देख रखी है, बैठने उठने की जगह जहाँ पर आप खाना भी खा सकते हो, बेसिक बेड एंड साथ में टॉयलेट। भाई साहब मैं सोच भी नहीं पा रहा कि यार यहाँ पर रहना कितना हार्ड होता होगा प्रिजन के अंदर। और ऑल्सो ब्रोस, प्रिजन के जो कर्मचारी थे ना, उन लोगों ने ना कुछ रूम्स ऑलरेडी डेकोरेट करके रखे थे, जैसे कि ये वाला, वो दिखाने के लिए कि पहले टाइम में अपने प्रिजनर्स जो है प्रिजन के अंदर कैसे रहते थे, कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वो कैसे रूम के अंदर चीज़ें जोड़ते थे। और थोड़ी देर प्रिजन के अंदर घूमने के बाद ना मेरे को एक चीज़ मिली। तो बेसिकली बताया गया था कि यहाँ से दो लोग भाग निकले हैं। तो अगर मैं रूम के अंदर ध्यान से देखूँ ना, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि दो लोगों ने वहाँ पर खुदाई करके
पीछे के रस्ते से भाग निकले। तो जैसे ही गाइस इन लोगों ने ये वेंट निकाला, वहां से होल को बड़ा किया और जब यहां से निकले तो उन्हें एक्सेस मिला प्रिजन के एलीवे का, जो कि बिल्कुल ठीक उनके रूम के पीछे था। तो एलीवे से उन लोगों ने कोई रास्ता निकाला और वहां से भाग निकले। और ये रहा प्रिजन का डाइनिंग हॉल, जहां पर अपने इनमेट जो है खाना पीना खाते थे। और अभी तो इन लोगों ने जो है कुर्सी जो चीजें वहां पे पड़ी थी पुराने जमाने की वो हटा दी, ताकि ये जो अपने ट्रैवलर्स हैं ये आराम से घूम फिर सके। और ये रही कुछ प्लेटें, कुछ कप्स जो कि पहले यूज होती थी प्रिजन के अंदर। और अभी गाइस प्रिजन का टूर खत्म करने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये एक छोटी सी सुवेनियर टाइप शॉप बनी हुई है और यहाँ पर ये देख रहे हो एक्चुअल जो चीजें आइलैंड के ऊपर मिलती है ना, जैसे ये पत्थर हो गए, तो उनको आप एक्चुअली टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। और ये देखो, ये वो कप है जहाँ पर प्रिजनर्स वगैरह जो है चाय वगैरह पीते थे। ऑब्वियसली अभी ये ओरिजिनल तो नहीं होंगे, इसको वापस से रिक्रिएट करके यहाँ पर बेचा जा रहा है, बट मैं 100% गारंटीड कह रहा हूँ क्लोज टू ओरिजिनल ही होंगे वो। कुछ चाबियाँ, हथकड़ियाँ और ये पनिशमेंट देने की कुछ और चीजें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी प्रेजेंट का टूर खत्म करने के बाद रबिश इज दिस, लुक एट दिस, स्पिन हो रही है पूरी मेरी फोन। ये गाइस सेल्फी स्टिक देखना, इंटरनेशनल है भाई, इंटरनेशनल देखो, पकड़िए मैंने इसे। अभी प्रेजेंट का टूर खत्म करने के बाद बहुत ज्यादा थकावन हो चुकी है भाई, बहुत घूमे ऊपर नीचे, लाइक मोस्टली फ्लोर चेकआउट कर लिए, किचन डाइनिंग रूम जहाँ पर खाते हैं जहाँ पर पीते हैं सब फुल चेकआउट कर लिया। और अभी पैरों के अंदर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, और मेरे नहीं सबके और भाई सारे ऐसे घुटने पकड़ के चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मारियो के बैग के अंदर ना डोनट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो अच्छी सन वाली जगह ढूंढ के ना पाड़ते हैं उनको डोनट्स को। चल लो भाई इतनी फोटो तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम के लिए भी नहीं खिंचाई जितनी ये खिंचवा रहे हैं। बहुत गंदे लेवल की हवा चल रही है यार, बहुत ज्यादा, लेकिन बारिश नहीं हो रही ना, सब सट है। कट दे भाई डोनट, कट दे फोन, बहुत भूख लगी है। दस माइल तो देना। ओह माय गॉड, मेरी तेरी दिमाग दे यार, खिचड़ी बना दी इसने। कीजी शट अप, दे वहां पर कितने मस्त दिखते थे, इतने फ्रेश दिखते थे। और ये अभी डोनट की, ये डोनट लग भी नहीं रहा, देख रहे हो, दिस इज अमेरिकन डोनट, अमेरिकन डोनट। तू दे मेरे को डोनट, मेरा किधर है, दिस इज योर डोनट, नहीं खाना, आई डोंट वांट इट। ये क्या कर दिया इसने भाई, डोनट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। टेस्टी है यार, एक्चुअली टेस्टी है। मैंने बोला था ना इस पानी के अंदर सी लायंस है, ये रहा, एक ये रहा। अपना गाइस प्रिज़न वाला टूर एकदम सुपर एपिक था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने लाइफ में करे हैं, जेट्स की, बोट्स की, लाइक बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन ये कुछ नई चीज थी और टोटली वर्थ थी ये। यार ट्रकों की फोटो कौन खींचता है। अब ऑब्वियसली गाइस मेरे को पता है कि यहाँ के जो ट्रक्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, कुछ ज़्यादा यूनिक होती हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी होती हैं और क्लासिक भी होती हैं, और मेरे को भी इनके साथ फोटो खिंचवानी है, लेकिन ये वो वाली नहीं है जो हम टीवी पर देखते हैं, वो वाली ऑब्वियसली हमें मिलेगी हाईवे के ऊपर। लेकिन फिलहाल उन चीज़ों को मारते गोली। और ये देखो क्या मस्त जगह है यार, ये एकदम सुपर जगह है। हैंग ऑन अ सेकंड, इसके ऊपर चॉकलेट्स एंड डोनट्स लगे हुए हैं, देख रहे हो, कैंडी, चॉकलेट, डोनट्स है तो नकली, लेकिन ये वाला तो रियल असली लग रहा है यार, ये देख रहे हो। मैंने हर बार टीवी के अंदर देखा है, ये बंदा बैठा होता है जो कि आपको ना अपना फ्यूचर बताता है, ये बेसिकली एक एडिटर है, इसको सब पता होता है, $1 में अपना फ्यूचर पता लगेगा। हाउ डू यू डू एनीवे, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम ऑन ओवर फॉर अ स्मॉल फी, ज़ोल्टार विल गिव यू अ वेल्थ ऑफ विजडम। ओके तो $1 गया मेरा, खा के गए पैसे मेरे। ओके कार्ड अप्रूव्ड, कम क्लोजर एंड लिसन टू व्हाट ज़ोल्टार हैज टू टेल यू। Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. That's right. You must live your days as if they were your last. Because one day they will be. You know what I mean. So go on, have fun, and surrender more cash for more wisdom from the great Zoltar. पैसे मार गए मेरे यार ये। मुझसे $1 लेके बोलता है कि जा अपनी जिंदगी जी ले। चौमू बंदे में और क्या कर रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हैंग ऑन अ सेकंड, अपना फ्यूचर तो अभी बाहर आया है।
देखो क्या लिखा है इसके ऊपर, ज़ोल्टर स्पीक्स। तो ये रहा मेरा फ्यूचर गाइस, इस नंबर को देख रखे छोटे से पर्ची जिसके ऊपर हाथी का सिंबल बना हुआ और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ कि हाथी मीन्स स्ट्रेंथ एंड पावर। पावर चोमो बंदे, पावर अपने पास ऑलरेडी है। ये रहा अपना फ्यूचर बिन में। तभी मैं कहूँ कि हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हो रहे, मैं अपना फ्यूचर बिन में डाल रहा हूँ। आज देखो मेरे को क्या मिला, डोनट्स। और ये खाने वाले नहीं है, ये सुवेनियर है। सुवेनियर के तौर पर डोनट्स मिल रहे हैं मेरे को, और ये एक्चुअली सॉफ्ट वाले हैं, वो हार्ड वाले हैं भी नहीं। और एक और स्पेशल चीज है डोनट्स की, ये बिक रहे हैं दुनिया की सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली मैग्नेट शॉप में। तो जी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सबकी ड्रीम्स पूरी हो रही हैं। आपको पता हम सुबह से सी लाइंस को ढूंढ रहे थे, सुबह से मिल ही नहीं रहे क्योंकि सारे यहाँ पर लंबे पड़े हुए हैं। ये रहे देख रहे हो, डिस्कवरी चैनल की सारी शूटिंग जो है यहीं पर ही होती है। आज देखो क्या मिला, ये लॉगी मिला मेरे को, लॉगी माइनक्राफ्ट की स्किन डाल के आया। मारियो बोल रहा है कि ये तो ठीक है, उसकी मम्मी इसको कैसे देख रही है। वेट, मम्मी की आंखें भी हैं, देख रहे हो। खाने पीने की जगह फाइनली मेरे को मिल गई और बहुत कड़ाकी की भूख लगी है यार। गाइस अपना खाना आया नहीं, पहले ड्रिंक्स आ गए और आते ही ड्रिंक्स मैंने चट कर दिए, वो इसलिए क्योंकि फ्री रिफिल्स हैं। तो एक ग्लास खत्म हो चुका है, थैंक यू एंड लेट्स फिनिश इट। गाइस मैंने ऑर्डर किया अपने लिए पेपरोनी पिज्जा, मारियो का है बरीटो एंड ये क्या है भाई, ये देखो। भाई बहुत मेरे को फर्क नजर आ रहा है वहाँ के पिज्जे में और यहाँ के पिज्जे में, खाने पीने का मजा आ गया। What? You got some change. 25 cents. तो यार खाने पीने का मजा आ चुका, लेकिन अभी गाइस हम घूम रहे हैं एक पुराने जमाने की आर्केड गेम जो पहले जमाने में होती थी, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आती है हमारी ये कार वाली गेम, तो बेसिकली आपने कॉइन डालना, तो दो प्लेयर आएंगे, प्लेयर वन प्लेयर टू, और आपने चरखा घुमाना है, तो जिसका चरखा सबसे तेज घूमेगा वही प्लेयर आगे पहुंचेगा। और ये है हमारी एम्ब्रेसो, कौन है बच्चे मनी ने, हाथी मिला लेते हैं, टूट ना जाए यार। गेम्स खेलने के लिए गाइस मेरे को चाहिए कोई कॉइंस, और कॉइंस देने के लिए मेरे को डालने अंदर नोट्स, पैसे की पूरा ही खींच लिया इसने, तो वापस काहे दे रहा है नुबड़े, वापस काहे दे रहा है मेरे को। तेरी आगे 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 भाई साहब, पूरी मुट्ठी भर के दी है इसने मेरे को, अमीरी वाली फीलिंग। अभी करते हैं थोड़े बहुत मजे। भाई ग्रैनी का पोस्टर यहाँ पर ही बना हुआ है, करते क्या है ये। सो पहली गेम बेसबॉल की है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को कॉइन डालना है और वहाँ से बॉल आएगी और मेरे को इससे बटन दबा के ना आगे बॉल फेंकनी है। पैसे नहीं चाहिए इसको। होम रन मार दिया इसने यार, अपन जीत गए ब्रो। अभी आते गेम नंबर टू, वो है पिंग पॉन्ग। Come on, Mario. Chal, chal, chal. Loser. एक बारी हार के उसको शर्म नहीं आई, अभी ट्राई कर रहा है बड़ी वाली। Holy shit. हारेगा तो फिर भी। क्या मिला? कख नहीं मिला इसको। मारियो मेरे को ओपन चैलेंज कर रहा है, दिस गाय ओपन चैलेंज कर रहा है कि किसको किसको सबसे ज्यादा हिट पड़ेगी। आ रहा है ना इसको चैलेंज एक्सेप्टेड, आ जा पकड़ से ये रिकॉर्डिंग मत देंगे। चन 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 चन
Come on. Did you put it in? ये बोला था कि इससे पता लगता कि हमारी किस्मत कितनी खराब है। मैंने ही पैसे डाले, मारियो ने भी डाले, उसकी चल रही है, मेरी नहीं चल रही। क्रैप भाई, कैसी कैसी गेम्स है यार। पुराने जमाने में कैसी कैसी गेम्स होती थी। सी नो टीम मैरियटा डूइंग हर स्टफ। ओके, लेट्स देखते हैं कि ये अंदर क्या कर रही है। तो ये मेरा कॉइन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ये देख रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा अंदर। पुराने जमाने की नीड फॉर स्पीड। तो यहाँ पर आपको स्कोर भी दिखाएगा। नाइस, परफेक्ट ड्राइविंग। तो बेसिकली गाइस चैलेंज ये है कि हमको ये बेल बजानी है, ठीक है। डक शूटिंग भाई, रियल तमंचा लग रहा है यार ये वाला। तो 50p पर प्ले। कॉनन मारियो का निशान आ चुका है। कम ऑन शूट। वो वो मोस्टली क्यों गाइस, पुराने जमाने में क्रीपी वाली होती थी। ये देखो, बंदों को लटका कर रखा हुआ है, बंदों को। अरे फॉर्मूला वन। एक और क्रीपी गेम एनाबेल है क्या ये? लगता है वही रही है। और ये रही गाइस अपने पुराने जमाने की स्ट्रीट फाइटर। बचपन की पूरी यादें ताजा हो चुकी है। होली शिट, इज इट टेकन 3? और रे टेकन 3, ओ माय गॉड। कॉलन बीट हिम अप। गया तो भाई। परफेक्ट मैन भाई, उसने परफेक्ट ले लिया टेकन 3 में। माय गॉड, ये इतनी मैंने खेली है ना ये गेम, ये वाली मतलब इतनी खेली अपने जमाने में कि मैं क्या ही बताऊं यार। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम्स थी ये मेरी। तो यार गाइस मैं यही बोल रहा था, पहले भी ऐसा होता था, दो बंदे खेल रहे होते थे और पीछे पांच बंदे खड़े होकर देख रहे होते थे। तो बिल्कुल मैंने वही किया। I got you on the video. ये ट्राई करते हैं, ये मेरे को याद है। इसके अंदर गाइस आप अपना हाथ डालते हो यहाँ पर और ये बंदा आपको फ्यूचर बताता है। Let me test my future, Mario. Record it for me. Go about you. Bite you. Bite me. Chala. Bite you. Line check kar rahe hai mere yahan par. Line analyze ho rahi hai. What happened? Just reading. Still reading. Still reading. There's too much to read. It's going up and down. दिमाग अपना बहुत तेज है भाई, क्लेवर बंदा हूँ। अच्छा ये म्यूजिक यहाँ से आ रहा है।
मैं सोचता था कि इतना प्यारा म्यूजिक पुराने जमाने वाला कहां से निकल रहा है, तो ये मशीन बजा रही है भाई। बाइक हो तो ऐसी यार, आगे से दिखाता हूँ आपको। एंड उसके बाद घर जाते जाते रस्ते में ब्रोज अपना टायर पंचर हो गया, तो जब हमने कार वाली कंपनी को कॉल किया तो उन्होंने अपने लिए एक मैकेनिक भेजा, और ये देख रहे हो टायर के अंदर इतनी मोटी कील फंसी हुई है भाई, गाड़ी आगे चलने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। बट कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है अपना टायर रिपेयर हो गया, लेकिन इसको आने में 3 घंटे लगे मैकेनिक सर को। और ब्रोज यू आर बैक इन योर रूम, टाइम की तरफ देखे तो लगने लगे 11 बज चुके हैं। पता क्या हुआ, हमारा काम 8 बजे तक खत्म हो चुका था, हमें 8 बजे होटल के अंदर आना था, रात को सोना था और सुबह 6 बजे निकलना था, हमारी गाड़ी पंचर हो गई, ये देख रहे हो। बट एनीवेज गाइस, चलिए मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मेरे को भी सोना है, क्योंकि कल सुबह 6 बजे हमको यहाँ से निकलना है। यहाँ से करीब 4 घंटे की ड्राइव है, हम जा रहे हैं एक पार्क के अंदर जिसका नाम आई थिंक योसेमिटी पार्क है, और वहां पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी, वहां पर बिगफुट भी हो सकता है, तो बेसिकली कल हम पकड़ेंगे बिगफुट को। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय।